हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास सेवन का आपका सिलेबस देखेंगे, जो कि 2023-24 के बच्चों के लिए है। संस्कृत का सिलेबस है, तो हम पूरा मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों का सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले आपका पहला चैप्टर आ जाएगा सुभाषितानी, जो कि श्लोक वाला चैप्टर है। इसमें श्लोक के आधार पर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। दूसरा आपका चैप्टर नहीं है, पर आपको आत्म परीक्षा आना चाहिए। जैसे आपको इतनी लाइन तो ज़रूर आनी चाहिए, अब मम नाम यानी आपका नाम क्या है, शिक्षक छात्र विषय भवत नाम किम, यानी शिक्षक पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है, तो आपको आंसर कर देना आना चाहिए। मम नाम जो भी आपका नाम है, छात्रवृत्ति मम नाम आपका नाम। और शिक्षक ऐसे पूछ सकते हैं कि उसका नाम क्या है, तो आप कह सकते हैं यानी अगर लड़का है तो भवत नाम किम, लड़की है तो भवत्या नाम किम, ऐसे आप बोल सकते हैं मम नाम। तो मम नाम तो कॉमन रहेगा, जैसे इंग्लिश में भी कॉमन रहता है माई नेम इज़ जो भी आपका नाम है। और अगर परस्पर छात्र है, और ऐसे आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस भी। तो आत्म परिचय पे आपको 5-6 लाइन तो आनी चाहिए माई सेल्फ पे। फिर यहाँ पे आपको संधि के क्वेश्चन आएंगे, संधि में आपको दीर्घ संधि आनी चाहिए। और आपको जो आपका चैप्टर नंबर 2 है दो बुद्धि विनिश्चति, उसमें संधि आनी चाहिए आपको, चैप्टर 2 हो जाएगा। देन स्वावलंबन जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। फिर संख्या 1 से 50 तक आपको आनी चाहिए, 1 से जस्ट लाइक। और 1 से 3 तक तो अलग अलग रूप में, 1 से 4 तक अलग रूप में होती है, पर आपकी 5 से लेके 50 या जितने भी आगे तक है वहाँ तक सेम ही रहती है। तो 1 से आपको तीनों रूप में याद करनी होगी, तीनों रूप में यानी पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, और नपुंसक लिंग में। 1 से 4 तक यानी एका एका एका, फिर द्वे द्वे द्वे, त्रय त्रय, ऐसे होता है, चतवार चतरस्त्र और चतवारी, ऐसे तीनों लिंग में अलग अलग होता है, पर 5 से सेम ही होता है, जैसे पंच षट सप्त अष्ट नव, ऐसी होता है वो। फिर आपको उपसर्ग और प्रत्येक आएंगे, आपके उपसर्ग प्रत्येक का आपको अभ्यास करना है, जिसमें उपसर्ग जातर प्र सम अनु उपसर्ग होंगे। और प्रत्यय परिचय आपकी टीचर आपको बता देगी कि प्रत्यय में जैसे लाइक कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ये सब आपको अभ्यास करा दिए जाएंगे। देन चैप्टर आपका आएगा पंडिता रमाबाई, ये आपका चैप्टर होगा। फिर त्रिवर्ण ध्वज, ये आपका चैप्टर है, आप इसे मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे चैप्टर नंबर नहीं लिखा है। देन आपका चैप्टर आएगा सदाचार। फिर आपका यहाँ पे चैप्टर आ जाएगा शब्द रूपाणी, जो कि चैप्टर नहीं है सॉरी, धातु रूप आपको कौन कौन से याद करने होंगे, पट के धातु रूप याद करने होंगे, लट के लिट के लिंग के, तीनों रूप में आपको याद करने होंगे। फिर पत्र लेखन आपका आएगा, इसमें पत्र लेखन में आपको मंजूषा दे रखी है, उसी से सहायता से भरना होगा। तो यहाँ मध्यावधि परीक्षा तक आपका 15 सितंबर 2023 तक ये सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, आपकी टीचर आपको करवा देगी। इसमें किसी में भी आपको चिंता करने की है, अगर आपको एक दिन भी शिद्दत से बैठेंगे तो ये सारा सिलेबस एक दिन का काम का होता है। तो 15 सितंबर तक सिलेबस कम्प्लीट करा दिया जाएगा, मध्यावधि परीक्षा होगी फिर आपकी, और ये सारे टीचर आपको पढ़ा देंगी। फिर आपका चैप्टर आएगा अहम अपी विद्यालय गमिष्यामि, ये चैप्टर आएगा। फिर विश्व बंधुत्व, ये आपका चैप्टर आएगा। देन आपका ये सेकंड टर्म से चैप्टर है अमृतम संस्कृतम, जी ये आपका श्लोक है, ये आएगा। फिर प्रत्यय उपसर्ग में आपका इस बार सेकंड टर्म में प्रत्यय उपसर्ग में ये भी जुड़ जाएंगे, वो तो आएंगे ही, ये भी जुड़ जाएंगे इसमें, वी आ अप ये सारे उपसर्ग, और प्रत्यय में लिप प्रत्यय भी आ जाएगा। और धातु रूप में आपको क्री धातु पे याद करना होगा, और तीनों लिंगों में याद करना होगा, सर्व मति वारी, ये सारे के शब्द रूप आपको याद करने होंगे। और लास्ट चैप्टर जो होगा वो आपका होगा लालन गीतम। तो यहाँ तक का सिलेबस 31 जनवरी 2024 तक कंप्लीट करा देना है। और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मिड टर्म के जितने चैप्टर्स हैं और जितना सिलेबस है, और जो सेकेंड टर्म में मैंने आपको दिखाया जितना चैप्टर्स और सिलेबस, वो दोनों मिला के एनुअल टर्म का एग्ज़ाम होगा, फाइनल टर्म, जो कि 31 जनवरी 2024 के बाद यानी फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।